हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ घर पर एलोवेरा के इस्तेमाल से किस तरह से आप अपने बालों को बेहद मजबूत, लंबा, घना और सिल्की साइनी बना सकते हैं। ये आपके बालों में नई जान डाल देगा, साथ में बालों से जुड़ी हर समस्या, चाहे वो आपके बालों में डैंड्रफ हो, ईचिंग हो, बाल बहुत ज़्यादा पतले हो गए हों, बालों की ग्रोथ रुक चुकी हो, या फिर बालों में जब आप कंघी करते हैं या फिर शैम्पू करने वक्त बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हों, तो किसी तरह की हेयर प्रॉब्लम हो, इस रेमेडी से बहुत ईजिली दूर हो जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस रेमेडी को कैसे बनाकर इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि आपको लेना है एलोवेरा का लीफ और उसके ऊपर वाले पार्ट को जब हटाइएगा तो आपको इस तरह से एलोवेरा जेल मिलेगा। आपको इस जेल को एक खाली कटोरी में निकाल लेना है। एलोवेरा में 74 टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारे बालों को हेल्दी बनाने के लिए, हमारे बालों की ग्रोथ के लिए और हमारे बालों में चमक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, हमारे बालों को जड़ों से मजबूत करता है, साथ में हमारे बालों को सिल्की साइनी बनाता है। तो इस तरह से एक खाली कटोरी में आप इसके जेल को निकाल लीजिए। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ दो टिप्स शेयर करूंगी जो आपके बालों की जड़ों को मजबूत करने के लिए, बालों को घना करने के लिए, इसको काला बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप इस रेमेडी के साथ वो टिप्स फॉलो करते हैं तो आपके बाल जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे, बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। एलोवेरा के बाद जो दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर लेनी है दोस्तों, वो है लगभग एक बड़ा चम्मच कैस्टर्ड ऑयल यानी कि अरंडी का तेल। आप किसी भी हेयर ग्रोथ रेमेडी में अगर एक चम्मच कैस्टर्ड ऑयल डालते हैं दोस्तों, तो आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा फास्ट करता है, आपके बालों की जड़ों को मजबूत करता है और नए बालों को उगाने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। तो इस तरह से आप इन दोनों को मिला लीजिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चाहें तो यहाँ पर नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट में आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको लेना है एक विटामिन ई कैप्सूल का जेल और उसके जेल को आपको इसमें डाल लेना है। ये आपको बहुत ईजिली मेडिकल स्टोर में मिल जाता है। विटामिन ई जो होता है हमारे बालों को हेल्दी बनाता है, हमारे बालों को मजबूत करता है, साथ में हमारे बालों को सिल्की करता है। तो इन सबको एक बार अच्छे से मिला लीजिए। अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना है कि नहाने से एक घंटे पहले अपने बालों की जड़ों में और पूरे बालों में इसको अच्छी तरह से लगा लेना है। अच्छी तरह से लगाने के बाद एक घंटे तक आप इसे रहने दीजिए और उसके बाद किसी भी अच्छे शैम्पू से अपने बालों को क्लीन कर लीजिए। तो दोस्तों, अब टाइम है वो टिप्स बताने का जो आपके बालों को हेल्दी करेगा, आपके बालों को जड़ों से काला, मजबूत और घना करेगा। सबसे पहले दोस्तों, आप कोई भी शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कोई भी केमिकल वाला शैम्पू यूज़ नहीं करना है। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे ध्यान देनी है दोस्तों, वो है पूरे दिन में पानी का सेवन। अगर आप अच्छी मात्रा में पानी का सेवन नहीं करते हैं तो एक सर्वे के अनुसार पानी सही मात्रा में नहीं लेने से हमारे बालों की जड़ें जो हैं वो कमज़ोर होती हैं, बाल जो हैं वो रूखे सूखे बेजान होते हैं। तो पानी का सेवन ज़रूर कीजिए, आपके बॉडी को हाइड्रेट करेगा और टॉक्सिन को रिमूव करेगा। उसके बाद दोस्तों, आपको रोज लगभग एक चम्मच यहाँ पे आंवला पाउडर का सेवन जरूर करना है। आंवला जो होता है उसमें विटामिन सी और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे बालों को जड़ों से काला करते हैं, उसको घना और मजबूत बनाते हैं। तो रोज आंवला का सेवन कीजिए, आपके बालों को हेल्दी बनाएगा, आपके बालों को मजबूत करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि इस तरह के सिंपल और इफेक्टिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।